क्या आपने कभी किसी सार्वजनिक स्थल पर किसी विदेशी पुरुष या महिला को कृष्ण भक्ति में लीन या पूरा तन्मय होकर कीर्तन करते हुए देखा है? आखिर ऐसा क्या हुआ होगा जो पश्चिम जगत के लोग सारे सुख सुविधाएं छोड़कर आज यहाँ मित्र भारत में आकर हरे कृष्णा इन दोनों शब्दों के उच्चारण में क्या वो इतना आनंद प्राप्त कर रहे हैं? अगर आपका जवाब ना है तो अभिनंदन करिए, आपने एक इस्कॉन भक्त को देखा है। इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, जिसे हम इस्कॉन के नाम से जानते हैं। कृष्ण भक्ति में लीन अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी की स्थापना भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने 57 वर्ष पूर्व 13 जुलाई 1966 न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में की थी। स्वामी प्रभुपाद जी का संन्यास से पूर्व नाम अभय चरण डे था और उनका जन्म भारत के कोलकाता शहर में 1 सितंबर 1896 को हुआ था। प्रभुपाद महाराज ने अपने गुरुदेव की आज्ञा मानकर कृष्ण भक्ति का प्रचार प्रसार विदेश में किया। यही नहीं, अपने गुरु के आदेश का पालन करने के लिए उन्होंने बहुत कम वर्ष की आयु में संन्यास ले लिया और गुरु आज्ञा पूर्ण करने का प्रयास करने लग गए। बहुत ही कठिन प्रयासों के बाद 70 वर्ष की आयु में न्यूयॉर्क में कृष्ण भावनामृत संघ की स्थापना की। न्यूयॉर्क से प्रारंभ हुई कृष्ण भक्ति की दिव्य धारा जल्दी ही दुनिया के कोने कोने में बहने लगी। पूरी दुनिया में इतने अधिक अनुयायी होने के बाद भी यहाँ पे मिलने वाली शांति असीम है। इसी शांति की तलाश में सनातन ग्रंथ गीता पश्चिम के लोगों के सिर चढ़कर बोलने लगी। स्वामी प्रभुपाद जी के प्रयास की वजह से आज कितने ही देश में हरे कृष्ण के पावन भजन गूंजते हैं। एक इस्कॉन भक्त बहुत ही विनम्र और अच्छे लोग होते हैं जो आपकी मदद के लिए आगे आने को हमेशा तत्पर रहते हैं। उनमें से कई आध्यात्मिक विकास के लिए वास्तव में काफी गंभीर होते हैं। वो किसी भी परिस्थितियों में क्यों न हो अपनी जप की साधना अवश्य पूरी करते हैं। इस्कॉन के अनुयायी वैदिक धर्म ग्रंथों का बहुत सम्मान करते हैं, उन्हें पढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित करते रहते हैं, जिसमें विशेष कर भगवत गीता और श्रीमद् भागवतम है। इस्कॉन भक्तों के साथ तीर्थ यात्रा करना आपके जीवन की वास्तव में एक बहुत ही यादगार घटना हो सकती है, क्योंकि वो कार्यक्रमों की व्यवस्था और योजना बहुत ही अच्छे तरीके से करते हैं, जिसमें मंदिरों के दर्शन करना, उनके इतिहास के बारे में जानना, विग्रह के बारे में और भगवान के बारे में चर्चा करना शामिल है। उनका एक डिवोटी केयर सिस्टम बहुत ही ज्यादा मजबूती के साथ भक्तों को जोड़ कर रखता है। अगर आप एक बार उनके साथ जुड़ जाएंगे तो वो आपको विभिन्न गतिविधियों कार्यक्रमों में शामिल कर यह सुनिश्चित करेंगे कि आप कभी भी पीछे ना छूट जाएं। इस्कॉन विश्व का सबसे बड़ा भक्ति भावनामृत और भगवत गीता का प्रसारक है। अपने एक साधारण नियम और सभी जात धर्म के प्रति समभाव के चलते इस मंदिर के अनुयायियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। हर वो व्यक्ति जो कृष्णा में लीन होना चाहता है उनका यह मंदिर स्वागत करता है। इस्कॉन में दीक्षा ले चुके भक्तगण को सिर्फ 4 सरल नियमों का पालन करना होता है, तप, शौच, दया तथा सत्य। तप का अर्थ किसी प्रकार का नशा नहीं, शौच का मतलब अवैध स्त्री या पुरुष गमन नहीं, दया माने मांसाहार का त्याग और सत्य यानी जुआ नहीं। दीक्षा प्राप्त भक्त को तामसिक भोजन त्यागना होता है, अनैतिक आचरण से दूर रहना होता है, 1 घंटा शास्त्राध्ययन और हरे कृष्णा नाम की 16 बार माला करनी होती है। आज इस्कॉन की विश्व भर में 850 से अधिक शाखाएं हैं। इस्कॉन ने 10 वर्ष में कम से कम 108 मंदिरों का निर्माण किया था। भगवान की कृपा से ये लोग स्वाभाविक रूप से पैसे पा रहे हैं, क्योंकि किसी भी आंदोलन की प्रगति के लिए बहुत सी चीजों की आवश्यकता होती है। इस्कॉन का मिशन पूरी दुनिया में कृष्ण चेतना फैलाना है और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए स्वाभाविक रूप से बहुत सारे संसाधनों की आवश्यकता है। इस्कॉन को कभी पदार्थ या वस्तु का अभाव नहीं रहा, तो इसीलिए किसी भी दुष्प्रचार से बचने के लिए इसके बारे में आप एक बार खुद सोचें। भारत के बाहर से आई हजारों महिलाएं साड़ी, माथे पर चंदन बिंदी लगाए, गले में तुलसी की माला पहने, आखिर इन्हें ऐसा क्या लोभ हो सकता है? लाखों ने मांसाहार तो क्या, चाय, कॉफी, प्याज लहसुन जैसी तामसी पदार्थों तक का सेवन छोड़कर शाकाहार शुरू कर दिया है। आखिर कुछ तो है जो इन्हें अपनी तरफ बिना किसी भौतिक प्रलोभन के आकर्षित करता रहता है। ऐसे ही अध्यात्म और धर्म से जुड़ी हुई कहानियों के बारे में जानने के लिए अध्यात्म नगरी को सब्सक्राइब करें।